नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक काफी शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी का अपडेट देने वाला हूं। तो दोस्तों, मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लिंक्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है और कैसे आपको दोस्तों इसके लिए अप्लाई करना है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो दोस्तों अपॉर्चुनिटी आई है वो दोस्तों 2022-21-2019 बैच के लिए आ चुकी है। तो दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट हायरिंग जो हो रही है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। यहाँ दोस्तों बैच है से 2019-20 and 21 बीई बीटेक एमई एमटेक एमसीए वाले एलिजिबल होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों एमएससी में सीएससी एंड आईटी स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। यहाँ दोस्तों ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल होने वाली हैं बीई बीटेक की। कोई भी आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग, मैक्सिमम 1 ईयर गैप इन एजुकेशन पोस्ट 10th स्टैंडर्ड till completion of graduation. Candidate should not have more than 11 months of experience. दोस्तों आपके पास 11 months से ज़्यादा का experience नहीं होना चाहिए. Student must be an Indian citizen. बाकी दोस्तों बात करते हैं application development associate. दोस्तों एक actual profile है जो आपको मिलती है अगर दोस्तों आप इस post पर select हो जाते हो, जहाँ दोस्तों आपको design, build, टेस्ट, असेंबल, कॉन्फिगर एप्लीकेशन यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। यहाँ दोस्तों आपको फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड पार्ट पर काम करना होता है। बात करते हैं दोस्तों कैसे अप्लाई करना है। सिंपली दोस्तों पहले आपको यहाँ जॉब बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर दोस्तों पैन कार्ड, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपने नाम अपना पैन कार्ड में मेंशन कर रखा है वो आप कर सकते हो। इनकेस यू डोंट हैव लास्ट नेम, काइंडली मेंशन योर फादर मदर नेम एज मेंशन्ड एज स्पेसिफाइड इन पैन कार्ड, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, परमानेंट प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कंसेंट, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिसाइड स्टेट सिटी, एजुकेशन डिटेल्स में दोस्तों आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिग्री दोस्तों आपके पास बीटेक बीई आ जाएंगी। कॉलेजेस दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। ब्रांच, ईयर ऑफ पासिंग में दोस्तों 2019-20 and 21 एलिजिबल है। फिर दोस्तों प्रोफेशनल डिटेल्स, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो कि हाँ आपके पास 1 to 6 months एक्सपीरियंस है, 7 to 11 months का एक्सपीरियंस है, या फिर दोस्तों 9 month एक्सपीरियंस। डू यू हैव एनी ऑफर इन हैंड, अगर दोस्तों है तो येस, अदरवाइज नो। बाकी दोस्तों आपको यहाँ स्किल्स, प्राइमरी स्किल्स, सेकेंडरी स्किल्स, सर्टिफिकेशन नेम्स दोस्तों आपको फिल करने, सारी डिटेल्स दोस्तों फिल अप कर यहाँ दोस्तों आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक चीज बता दी है इन डिटेल, और असेसमेंट डिटेल्स के लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा, उसमें दोस्तों आपको इन डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों एसेंचर की पीडब्ल्यूडी हायरिंग भी आ चुकी है, दैट इज पब्लिक विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। हाँ दोस्तों, अगर कोई भी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है तो दोस्तों वो भी अप्लाई कर सकते हैं एएससी रोल के लिए, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सीटीसी दोस्तों 4.5 LPF, मोस्ट ऑफ द दोस्तों जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोस्तों ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये वाला फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके लिए एक अलग से ऑप्शन होगा डिसेबिलिटी का, तो दोस्तों आपको वो सेलेक्ट करना है और अपनी डिसेबिलिटी बतानी है, और उसके बाद ही दोस्तों आप इसमें अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट है दोस्तों डिसेबिलिटी वाली हायरिंग दोस्तों 2022 बैच के लिए भी हो रही है। हाँ दोस्तों 2022 के लिए अभी एक्चुअल हायरिंग नहीं आई है, अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली हायरिंग आ चुकी है। मैं आपको दोस्तों इन डिटेल बता देता हूं इसके बारे में भी। यहां भी दोस्तों बीई बीटेक एमई एमटेक ऑल स्ट्रीम्स एमसीए एमएससी सीएससी आईटी एलिजिबल होने वाले हैं। कोई भी बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। सीटीसी 204.5 LPA है। इसके मीन्स दोस्तों इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि जो आने वाले टाइम पर एसेंचर की एक्चुअल हायरिंग आएगी उसमें दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होने वाला है। यहाँ दोस्तों आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पूरा का पूरा फॉर्म दोस्तों एक्चुअल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन तीनों फॉर्म में से अगर आप कोई भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो तो उसमें अप्लाई करिएगा, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि अभी भी दोस्तों 2019-20 and 21 के बैच के भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अप्लाई करिए अपने आप भी और शेयर करिए जितना हो सके, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।